लास्ट हमने 15th अक्टूबर को खाया था. She remembers all the dates, my god. वैसे इसको किसी का बर्थडे बर्थडे याद नहीं रहता, इसको ये याद है कि मोमोज लास्ट कब खाए थे मैंने. चैनल और आज हम कहाँ जा रहे हैं बेबी? आज हम स्वैग पाजी जा रहे हैं, स्वैग पाजी जैकेट खरीदने. तो आज हम आर्का के लिए जैकेट खरीदने जा रहे हैं और मैं मास्क पहन लेती हूँ. 100 में करो ना, यही तो गड़बड़ करते हो तुम लोग, तभी इस वीडियो अच्छी नहीं आती. 100 पे करो शटर. ओके वेट, मैं शटर 100 पे करके आती हूँ. एक्सपर्ट की एडवाइस के अकॉर्डिंग शटर 100 पे हो गया है. अरे पता नहीं है ना इन लोगों को, 50 fps पे शूट करते हो तो 100 पे रखना जरूरी है, तो पता नहीं है तो ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं. ऐसे ना वीडियो बनती है, अच्छी क्वालिटी भी तो देना पड़ेगा ना. मास्क उतरवा के ना 2000 का चालान करवा दूंगी आपका. फिर को देना पड़ेगा, मेरे पास है नहीं. हम ऑफिस के लिए निकले थे क्योंकि आज ट्यूसडे है, वीकडे है, तो हम ऑफिस के लिए निकले थे. बट ऑफिस में ये सीन हो गया कि ऑफिस में लाइट नहीं है, वायरिंग नहीं डल रही है, तो वो शाम के 6 बजे तक लाइट नहीं आएगी, तो इसलिए ऑफिस में रहने का कोई फायदा नहीं था. तो अभी हम आर्का की जैकेट लेने जा रहे हैं. तो जैकेट लेने की शर्त ये है कि हम यशवंत जाएंगे पहले, क्योंकि मुझे वहाँ के मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं. तो बेबी पहले यशवंत जा रहे हैं हम या जैकेट लेने जा रहे हैं? पहले जैकेट भैया. और जैकेट के बाद आप मुकर गए? फिर मैं नहीं मुकरूंगा ना, तुम मुकर सकती हो. खाना खा लिया उसके बाद क्या? हम आर्का के पहले जैकेट ले लेंगे और मैं लिटरली खाना ही खाने के बाद सच में मुकर सकती हूँ कि अब मैंने खा लिया, अब मैं जा नहीं रही, अब मैं थक गई हूँ, घर चलो. तो देखा गाइस, देखा सही पति हूँ ना मैं इसका. तो बेबी मैं ऑनेस्ट हूँ ना, जो भी ऑनेस्ट है, पर ये तेरी ऑनेस्टी मुझे पता है ना. हेलो भैया, ये मेन रोड पे दो बोर्ड लगे हुए हैं स्वैग करके लिखा, वो आप ही का है? वही है बेबी. यार ऑफिस में भी लाइट नहीं है. हां यार, यहां भी लाइट नहीं है, कुछ दिक्कत है लाइट वाइट का. आई थिंक मेबी दिस इज परफेक्ट. ये क्या लार्ज है, मीडियम है? मीडियम. हां मीडियम तक सही है. जैकेट मिल गई फाइनली. फाइनली जैकेट मिल गई मेरे को. इस इंसान को बीवी से मतलब नहीं है. जैकेट आ गई ना, बैठो. ये लो अपनी जैकेट ले लिया आपने, अब कह रहे हो तुम चला लो. सीधा यशवंत, सीधा यशवंत, यशवंत लगाओ, यशवंत लगाओ, सीधा यशवंत, नो चीटिंग. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मास्क के अंदर तू हंस रहा है मंद मंद? हाँ हंस रहा हूँ. है बता है ना? हाँ. देखो तेरी आंखें सब बता देती है. ओ हो हो हो. ले बहुत अलग अलग शॉप्स हैं, बाट यहाँ जाते हैं अंकल के पास. दिस इज चिमनी. अंकल कहाँ गए? अंकल नहीं है. अच्छा गए. अच्छा भैया तुम्हारे. नमस्ते भैया, कैसे हो? तो हमने मोमोज ऑर्डर कर दिए और आर्का ने स्प्रिंग रोल और हनी चिली पोटैटो ऑर्डर करे. मुझे हनी चिली पोटैटो अच्छे नहीं लगते, मुझे सिर्फ चिली पोटैटो अच्छे लगते हैं, बट दैट्स ओके. और अब मुझे ठंड लग रही है पर अपनी जैकेट लेने के लिए जाना नहीं चाहती हूँ. बेबी आप अपनी जैकेट पहन रहे थे तो आपने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया कि बेबी तुम भी अपनी जैकेट ले लो? इनको याद दिलाना चाहिए था ना. मुझे ध्यान ही नहीं था, मुझे लगा तो ठीक है कंफर्टेबल है, अभी तो कहीं और मोड पे. इस बार मैं क्या करूँगी, मैंने आपको बोल रखा है ना, मैं इस बार भैया से नंबर ले लूँगी और जब मुझे आने में 10 मिनट बाकी होंगे ना, मैं तभी फ़ोन पे ऑर्डर कर दूँगी कि भैया मुझे ये है, मैं आने नहीं. उनसे पोस्टर लूँगी, उनको याद रहेगा ना कि मैं ही हूँ, उनको ये नहीं लगेगा कि कोई फ्रॉड है. तो मैं उनको फ़ोन पे ही बोल दूँगी कि मुझे ये ऑर्डर है
और आप मेरी टेबल पे लगा दो क्योंकि मैं यहीं बैठती हूँ, मैं अंकल के पीछे ही बैठती हूँ, पर अभी अंकल है नहीं, अंकल आ जाएंगे तो मैं उनसे बात करूँगी। ये अब तैयारी कर रही है, मेरा जूड़ा पहले ही बन चुका है। इसका जूड़ा यहाँ के बनता है और एक सरोजनी नगर के बनता है। 2 महीने बाद खा रहे हैं हम। लास्ट हमने 15th अक्टूबर को खाया था। She remembers all the dates, my God. वैसे इसको किसी का बर्थडे बर्थडे याद नहीं रहता, इसको ये याद है कि मोमोज लास्ट कब खाए थे मैंने। तो हम घर आ गए हैं और ये आरका का अंदाज लॉक खोलने का। इधर क्यों कह रहे हो? मेरे निकाल दो तुम प्लीज, मेरा जैसे मेरा हो गया। तो ये ऐसे करके खुलता है, ये नहीं कि वॉलेट हाथ में रख ले। नहीं नहीं वो सेट हो रखा है इसलिए। तो गाड़ी मेरा नया जैकेट। तो गाड़ी में हमारी थोड़ी सी बहस हो गई। बहस नहीं हुई थी, हम सिचुएशन पे हम डिस्कशन कर रहे थे हम सिचुएशन पे, तो वो ठीक डिस्कशन था और ऐसे ही डिस्कशंस होने चाहिए हमेशा से, अदरवाइज कपल्स में इश्यूज होते हैं बहुत, और अगर वो डिस्कस ना करें तो वो फिर वो सच में बहस बन जाती। बहस भैंस जो है वो लड़ लेती है सांड से। आप मुझे भैंस कह रहे हो? बहस जो है वो भैंस बन जाती है, फिर वो लड़ाई हो जाती है सांड जैसी। सो ऐसे ही होता है इंसानों के बीच में भी। हम घर आ गए। फोटो मुझे बाहर छोड़ के कहाँ चला गया था? कहाँ गया था फोर्ड? कहाँ के चला गया था बाहर छोड़ के? क्या बोल रहे हैं? ऐसी वीडियो देख रहा हूँ छोटे से। बीबी तो घर आती है एकदम बिल्कुल खुश। हाँ भाई घर घर होता भाई सच में यार। कल से तो स्टूडियो ही रहना है कुछ दिनों तक, बट अभी थोड़े मजे ले लेता हूँ मैं घर के। और ये देख लो इनकी सीरीज ही कम्प्लीट नहीं हो रही है। ये है कि मैं ज़्यादा लंबी सीरीज नहीं देख पाती, मुझे होता है कि हाँ बस खत्म हो जाए। अब स्टोरी नहीं, मैं उसमें उनकी जर्नी देख रहा हूँ, उनके इमोशन से देख। हाँ इफ इट्स इंटरेस्टिंग सिन ऑब्वियसली मैं देख रहा हूँ। तो गाइस मैं थोड़ा देख रहा हूँ ठीक है बाल रख के। तो इसका मतलब ये था कि डोंट डिस्टर्ब, साफ सीधे शुद्ध शब्दों में बेइज्जती। तो मैं सोच रही हूँ मैं अपनी मम्मी को कॉल करूँ, पर मुझे लगता है वो सो गई होंगी, और अगर अब ये वो वीडियो देखेंगे तो बोलेंगी मुझे कॉल कर ही लेती ना, एक बार मैसेज करके देख लेती, मैं तो जगी हुई थी, ऐसे ही बोलेंगी वो, आई एम प्रिटी श्योर। बट मैं उनको कॉल नहीं करूँगी, 12 बज चुके हैं, और एक मैसेज छोड़ के देख लेती हूँ कि शी इज़ अवेक, सो वो रिप्लाई कर देंगी। एंड गुड नाइट गाइस, सुबह मिलते हैं। तब तक मैं आपको हमारे का वीडियो दिखा रहा हूँ।